पुराने परफॉर्मर की उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन जरा उनकी अचीवमेंट्स पर नजर डालिएगा। इन्हें 2005 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बालश्री की उपाधि दे चुके हैं, दो बार एआर रहमान के हाथों बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले चुके हैं, और अभी हाल ही में 2010 में ऑल इंडिया रेडियो ने भी बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया है। पेश है गायकी के रण में जीत का परचम लहराता जयपुर से सिंगिंग स्टार रंजीत रजवाड़ा। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये ना कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आशिकी का
सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार या सारे गामा पा का ये मंच है जहाँ पे इस तरह के बच्चों को ढूंढ के लाया जाता है। बहुत मुश्किल है कि आज के दौर में इस तरह गुलाम अली साहब की गजलों को गाना, तो मुझे लगता है ये सारे गामा पा का मंच ही है और ये खुशनसीब है और बहुत ही अच्छा होनहार आगे आने वाला सुपरस्टार है जो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। इस किस्म की गायकी को बहुत लिमिटेड लोगों ने गाया है, हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज इस उम्र के अंदर इस किस्म की गायकी को सिलेक्ट करना यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इस लड़के के पास एक और हुनर है, ये इशारे की तरह इसकी उंगली चलती है। पूरे मंच के अंदर ये ही एक लड़का है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नायाब है। फैंटास्टिक ब्रदर, मतलब जिस चीज को सुन सुन के हम बड़े हुए आज तुमने उसकी याद ताजा दिला दी। थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगिंग यार, बड़ा मजा आया। थैंक यू वाजिद भाई, आज तो बहुत अच्छा टोन आ रहा था यार। सर आपका आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे पे। जियो। पूरा मेरे पिताजी कहते हैं कि नए जनरेशन में कोई गजल सिंगर नहीं हमें मिल रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई गा नहीं रहा है ऐसा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर नए जनरेशन का गजल सिंगिंग या जॉनर वापस आ जाए तो रंजीत एक बहुत बड़ा नाम बनेगा इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुलाम अली साहब ने बहुत गाने गाए हैं, बहुत गजलें गाए हैं, ये शायद उनका सबसे पॉपुलर गजल है। बिल्कुल, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगर वो आपका ये परफॉर्मेंस सुनते तो बहुत खुश और बहुत प्राउड होते। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाया है। बहुत बहुत।